आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, मान लीजिए एक कार कुछ अंतरालों के पश्चात 18 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेगों से चलती है। इन वेगों पर कार में बैठे बच्चे की गतिज ऊर्जाओं का परिकलन कीजिए, जबकि लड़के का द्रव्यमान दिया गया है 40 किलोग्राम। गतिज ऊर्जा और वेग के बीच में ग्राफ खींचिए, इस वक्र की प्रकृति किस प्रकार से है यह भी बताइए। तो देखिए कि प्रश्न के अनुसार हमारे पास में जो दोस्तों क्या कर रहा है, एक लड़का है, वो कार में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कार में अगर वह लड़का बैठा है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो लड़का है उसमें भी क्या हो जाएगी दोस्तों, कार की गति के कारण गतिज ऊर्जा नीत हो जाएगी। चूंकि कार का वेग हमें दिया गया है, तो जिस स्पीड से, मतलब जिस वेग से कार आगे की ओर गति करेगी, ठीक है, तो उसी वेग से जो उसमें बैठा बच्चा है वो भी गति करेगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे का द्रव्यमान अगर हमारे पास में m दिया गया है 40 किलोग्राम, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि सबकी अगर हम लोग गतिज ऊर्जा निकाले, तो सबसे पहली स्थिति में जब कार का वेग कितना था दोस्तों, वेग बराबर से 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक घंटे में 18 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 36 किलोमीटर और फिर एक घंटे में 54 किलोमीटर, ये जो हमारे पास में दी गई जो वेग है दोस्तों, ये किस प्रकार से दिए गए हैं, प्रति घंटे के हिसाब से दिए गए हैं। अतः गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दी जाती है E1 एक बार कितना जाएगा हमारे पास में 1/2 mv का वर्ग। यहाँ पर दोस्तों जो वेग दिया गया है वो कितना दिया गया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास में जो वेग है वह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा को काय में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, जो वेग है उसका आप क्या करेंगे, एक किलोमीटर में कितना होता है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक घंटे में कितने होते हैं दोस्तों, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि पूरे ही पद में दोस्तों क्या करेंगे, 5/18 का क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में जो वेग है वो आपको मिल जाएगा। तो वेग आपका क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 18 गुना 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये हर पदों में जब भी आपको किलोमीटर से उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, तो 5/18 का गुना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं, और प्रति घंटा का मतलब यह हो जाता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटे में 30 मिनट कितना, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 × 60 सेकंड हो जाएंगे। तो वहां से आप इसको हल कर लीजिए, 18 से 18 कट जाएगा, तो आपके पास में जो मान आया वो कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आप यहाँ पर E1 निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा 1/2, द्रव्यमान कितना है 40, वेग कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है। हल कर लेते हैं, तो हल करने पर आपके पास में ये जो मान है वो कितना आ जाएगा, 25 × 20, ठीक है। तो 25 × 20 जो है वो आपके पास में आ जाएगा 500 जूल के बराबर, ठीक है। तो E1 का मान आपको कितना मिल गया, 500 जूल, जब आपका वेग कितना था दोस्तों, वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड। अब अगले इस पे चलते हैं, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, V2, V3 और V4 के लिए भी लिख देंगे। तो वेग हमारे पास में यहाँ पे कितना, 36, फिर 54 और फिर 72 लिख देते हैं। वेग हमारे पास में कितना है, 36, ठीक है, V2 का मान। तो यहाँ से आप E2 जो निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे, 1/2, द्रव्यमान सबका समान है, तो 40 गुना, अब यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 36 × 5/18, 18 × 2 = 36, ठीक है, पूरे का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 का वर्ग, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 2000 जूल, ठीक है। आप इसको हल कर लेंगे तो आपको ये 2000 जूल E2 का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे कि V3 और V4 के लिए जब वैल्यू निकालेगी, तो आपके पास में गतिज ऊर्जा आपको मिल जाएगी 1/2 mv स्क्वायर से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन दोस्तों V3 बराबर से कितना है आपके पास में, वो है 54,
ठीक है, तो ये आप लिख देंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए, या फिर 54 में कितना करना है आपको बताया, 5/18 का गुना करना है, 18 दिया होता है 54, 5 दिया हो गया 15, मतलब वेग का मान कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे तो गतिज ऊर्जा आपकी E3 मिल जाएगी, तो E3 हो जाएगी 1/2 mv का वर्ग, m आपके पास में 40 है, ठीक है, v का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 15 का वर्ग, ठीक है। अगेन ये आपने क्या कर दिया, इसको हल कर दिया, तो 20 गुना कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 20 गुना आप लिख सकते हैं इसको, ये 15 का वर्ग कितना होता है 225, हल कर लेंगे तो आपको मिलेगा 4000, कितना 4500 जूल, ठीक है। तो ये आपका किसका मान है दोस्तों, 4500 जूल जो है वो मान आपका हो जाएगा कौन सा वाला, E3 का, ठीक है। E3 का मान मिल गया, E2 का मान निकाल लिया, और अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से जो अगली हमारी गतिज ऊर्जा है किसके लिए, V4 का मान है आपके पास में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको फिर से क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 72 गुना 5/18 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा किसके बराबर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, हल कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से जो E4 है उसका मान कितना जाएगा, 1/2 एम मतलब द्रव्यमान का वर्ग, ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग का वर्ग, तो ये सॉरी आपके पास में 20 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे तो आपके पास में 1/2 × 40 गुना 20 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे तो ये जाएगा 20, तो 20 की घात कितनी जाएगी 3, ठीक है। तो आप इसको जब पूरे को हल करेंगे तो आपके पास में जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा, 8000 जूल के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने E3, E4 तक के वैल्यूज पूरी क्या कर ली, प्राप्त कर ली। अब बोला है कि वेग और क्या करना है, गतिज ऊर्जा के सापेक्ष हमारे पास में मान लिखना है, तो एक काम करते हैं, एक तालिका बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेग का मान, और फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास में, गतिज ऊर्जा, ठीक है, E, और वेग क्या है आपके पास में, V, ठीक है। अब तालिका बनाएंगे तो हमारे पास में वेग कितना था, सबसे पहले वेग आपका था मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हम लोग वेग देख रहे हैं, सबसे पहले वेग हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर है हमारे पास में कितना दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसको हल करते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 36 गुना कितना हो जाएगा, 5/18, तो ये आपके पास में कितना मान था दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास में 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से सेकंड वाला आपके पास में था 10 मीटर प्रति सेकंड, सबसे पहला आपके पास में वेग था जब 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर लिख देते हैं वेग है आपका मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 था तब गतिज ऊर्जा का मान कितना आया था, गतिज ऊर्जा का मान आया था 500 जूल, ठीक है, आपके पास में ऊर्जा कायम चल रही है जूल में। इस प्रकार से तालिका बना लेंगे तो आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है और उस वक्र की प्रकृति भी बताना है। तो वेग आपने निकाला 5/500, उसके बाद 10 था दोस्तों, फिर देखिए 10 के बाद 15 और 15 के बाद क्या हो गया, वेग 20 हो गया, आप ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में गतिज ऊर्जा के मान क्रमशः पहले वाले में 2000, फिर कितना आया दोस्तों 4500, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 जूल, फिर 4500 जूल, और फिर आखिरी वाला जो आया था वो कितना आया था 8000 जूल। तो अब आपको इसके सापेक्ष क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। तो अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास जैसा बोला है कि गतिज ऊर्जा और वेग के बीच में ग्राफ खींचे और वक्र की प्रकृति भी बताइए। तो देखिए कि आपके पास में वेग जो आया है वो कितना आया है, 5, 10, 15, 20, ठीक है, तो वेग आपका चल रहा है मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पर आपका वेग है सबसे पहला 5 मीटर प्रति सेकंड, फिर आया 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर आया 15 और फिर आया 20, ठीक है। इसके बाद में आप इसको आगे लिख सकते हैं 25, 30, 35। तो हमने यहाँ पे अंतराल कितना लिया दोस्तों, हमने एक्स अक्ष का जो अंतराल है वो लिया है 5 इकाई का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में वेग जो है वो कितना दे रहा है दोस्तों, 1 जो भाग है वो 5 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा वाई अक्ष का जो हमारे पास में लिया गया है उसमें आपने क्या किया है, प्रत्येक को माना है दोस्तों कि यहाँ पे ऊर्जा जो है वो कायम है, ऊर्जा है आपकी गतिज ऊर्जा जो कायम दी गई है जूल में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा, वो भी कायम है जूल में। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये हमारी गतिज ऊर्जा जूल में, तो पहली वाली जो भाग है उसको हमने एक भाग को 1000 जूल माना है, ये हो जाएगा हमारे पास में 2000 जूल, ये हो जाएगा हमारे पास में 3000 जूल, इसी प्रकार से 4000, 5000, 6000, 7000 और ये हो जाएगा 8000, मतलब के मतलब हजार होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप देख रहे 5 पर आपकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, 500 जूल, मतलब इसका आधा, तो यहाँ पे कहीं आपका एक पॉइंट मिलेगा,
फिर आपने जब आपका वेग आपका कितना था 10 मीटर प्रति सेकेंड था, ठीक है, तो आपके पास में जो ऊर्जा आई वो कितनी आई 2000 जूल, ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है वो कितनी आई 2000। इसके बाद में आपके पास में जब आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड वेग था तो उस स्थिति में आपकी जो ऊर्जा आई है वो कितनी आई है, वो आई है 4500। मतलब आपका 4000 यहाँ का ही है तो 4500 यहाँ का ही होगा, ठीक है, तो 4500 पे आप कह सकते हैं कि आपके पास में क्या आई है दोस्तों, ये ऊर्जा आई है। तो अब ग्राफ जब बनेगा तब कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे आपको एक कटाक्ष बिंदु प्राप्त हुआ है, फिर आपका वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड पे आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो सीधी कितनी हो गई है 8000 हो गई है। इन कटाक्ष बिंदुओं को आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इन कटाक्ष बिंदुओं को मिलाने पर आप देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, एक सरल सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इन सरल सीधी रेखाओं को हम कहते हैं दोस्तों कि ये जो ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा प्राप्त हुआ है, रैखिक। मतलब ग्राफ की प्रकृति कैसी प्राप्त हुई है, रैखिक प्राप्त हुई है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।